हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में हमारी इतिहास, भूगोल और विज्ञान विषय और हिंदी विषय की क्लासेस पहले से चल रही है और उसी कड़ी में आज हम आपके लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपकी विज्ञान, सामाजिक और सामाजिक के अंतर्गत आपकी इतिहास और भूगोल, और आज से हम आपकी राजनीति की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी हिंदी विषय की क्लासेस भी चल रही है, तो वो सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप आराम से देखें। ये सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही कराई जा रही है कि परीक्षा के अंदर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी आधार पर आपको प्रश्नों की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें पहला प्रश्न, जो कि आपके सामने अभ्यासद वाला प्रश्न है। दिया गया है, निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले बेल्जियम में रहते हैं, यानी बेल्जियम के जो ज्यादातर निवासी हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा जर्मन भाषा। बेल्जियम के जो निवासी हैं वो ज्यादातर जर्मन भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? तो जो बेल्जियम है आपका वो यूरोप महाद्वीप का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो जो बेल्जियम की राजधानी है उसका नाम है बच्चों ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स। प्रश्न संख्या 4 है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज्यादा समूह और ताकतवर थे? बेल्जियम के अंदर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बाकी लोगों से तुलनात्मक रूप से ज्यादा संगठित थे और ताकतवर थे? तो वो थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, जो बाकी बाकी भाषा बोलने वाले लोगों से ज्यादा एकत्रित यानी समूह के रूप में रहने वाले और ज्यादा ताकतवर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस देश ने 1970 से लेके 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए? ऐसा कौन सा देश था जिसने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान के अंदर महत्वपूर्ण 4 संशोधन किए? तो वो देश था आपका बेल्जियम। प्रश्न संख्या 6 है, 1956 में श्रीलंका ने कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया? तो 1956 के अंदर श्रीलंका ने सिंहली भाषा को अपने देश की राजभाषा घोषित कर दिया। प्रश्न संख्या 7, श्रीलंका में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो धर्म है बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 8 है, किस देश में दो समुदायों के बीच आपसी अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया? ऐसा कौन सा देश था जहां पर दो समुदायों के बीच आपसी टकराव ने बहुत बड़े अविश्वास का रूप ले लिया, यानी आपसी समुदायों के बीच जो आपसी अविश्वास था, ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास था उसने आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन या टकराव का रूप ले लिया? तो वो देश था आपका श्रीलंका। श्रीलंका के गृह युद्ध का अंत कब हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीलंका के गृह युद्ध का अंत कब हुआ? तो सन 2009 में। प्रश्न संख्या 10 है, बेल्जियम में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों में तनाव कब होने लगा? बेल्जियम के अंदर फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव कब होने लगा था? तो वो होने लगा था सन 1950 से 60 के बीच में। प्रश्न संख्या 11 है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करती है आपकी कार्यपालिका। तो ये आपके थे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासद वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, पहला प्रश्न है, श्रीलंका खाली जगह में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना? सन 1948 के अंदर श्रीलंका एक अलग से स्वतंत्र राष्ट्र यानी आजाद देश बना। दूसरा, खाली जगह श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है कौन सा समूह? तो जो सिंहली है वो श्रीलंका का एक सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय खाली जगह को चुना गया, कौन को चुना गया? ब्रुसेल्स को। ये किसकी राजधानी है? ये आपके बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। खाली जगह भारत का एक पड़ोसी देश है, कौन? आपका श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है। श्रीलंका में कुल जनसंख्या में खाली जगह प्रतिशत सिंहली है, तो लगभग 74% लोग सिंहली भाषा के लोग हैं। बेल्जियम की आबादी में 59% लोग खाली जगह भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं लगभग 59% लोग। ठीक है, ये थे आपके महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अति लघुरात्मक प्रश्न। 1950 से 1960 के दशकों में
ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच प्रखर समस्या क्या थी? 1950 से लेकर 1960 के दशक में ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर ऐसे दो समुदाय थे जहां पर सबसे प्रमुख समस्या क्या थी, वो थी भाषाई विविधता। क्या थी? भाषा की विविधता, ये दो समुदायों के बीच सबसे बड़ी समस्या थी। प्रश्न संख्या दो, उस देश का नाम बताइए जहां 1956 के बाद जातीय संघर्ष ने हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया, तो वो देश था आपका श्रीलंका। प्रश्न संख्या तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता की साझेदारी का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों को देश के शासन संचालन में स्थायी साझेदारी क्या होती है, प्राप्त होती है। सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि जो देश का आपकी जो शासन प्रणाली है, जो शासन व्यवस्था है, उसके अंदर समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों को समान रूप से स्थायी साझेदारी प्राप्त हो, सभी धर्मों वर्गों का उसमें क्या हो, योगदान हो, भागीदारी हो, उसे ही कहते हैं सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न है, गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, किसी देश में सरकार के जो विरोधी समूह हैं, ठीक है, उनकी हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे गृह युद्ध कहते हैं। किसी देश के अंदर सरकार विरोधी जो समूह हैं, उनकी हिंसक लड़ाई धीरे धीरे ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध की तरह प्रतीत हो, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र के अंदर सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों जरूरी है? तो सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की जो संभावना है वो क्या रहती है, कम रहती है, और सभी समूह शासन व्यवस्था से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यानी देश की शासन प्रणाली के अंदर सभी वर्ग समूहों का क्या होता है, एक निश्चित भागीदारी होती है, वहां पर योगदान होता है, और इसी वजह से सभी जो सामाजिक समूह हैं उनके बीच में टकराव की संभावना कम रहती है, और सभी समूहों की उस शासन व्यवस्था के अंदर भागीदारी रहती है, अतः लोकतंत्र के अंदर सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगला प्रश्न है आपके लघुरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के लाभ बताओ। तो सत्ता की साझेदारी के लाभ क्या है? पहला लाभ है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा क्या है? सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छी है, कि राजनीतिक व्यवस्था लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए सत्ता के अंदर साझेदारी होना जरूरी है। फिर सत्ता की साझेदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते हैं, और देश की शासन प्रणाली को बेहतर ढंग से चलाने के लिए सभी जो समूह है उनकी भागीदारी होना भी जरूरी है, जिससे देश की शासन प्रणाली है वो बेहतरीन ढंग से चलती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में तमिलों में दो समूह कौन कौन से हैं? श्रीलंका के अंदर जो तमिल समुदाय के लोग हैं उनमें भी दो समूह कौन कौन से हैं? तो एक है श्रीलंका मूल के तमिल, जो मूल श्रीलंका के निवासी है, और दूसरे हैं हिंदुस्तानी तमिल। तो तमिल वर्ग के अंदर भी दो समूह हैं, एक श्रीलंका के मूल निवासी जो तमिल भाषी है, और दूसरा हिंदुस्तानी तमिल। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? जो बेल्जियम देश है, जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है, उसके अंदर जो जातीय बनावट है वो कैसी है? तो बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का लगभग 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, ठीक है, और कैसा है, डच भाषी है, डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तथा शेष लगभग 1% लोग जर्मन बोलते हैं, और राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 40% लोग डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेल्जियम की जो जातीय बनावट है उसके अंदर बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद से क्या मतलब है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। तो बहुसंख्यकवाद एक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मन माने या मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की क्या करता है, अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि जब कोई एक समुदाय बहुत बड़ी संख्या में होता है तो वो फिर अपने मनमाने ढंग से क्या कर सकता है, देश का शासन कर सकता है या उसे कंट्रोल कर सकता है। और ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, जिनकी कुछ गिनी चुनी संख्या होती है, उनकी जरूरत या इच्छाओं की क्या की जाती है, अवहेलना की जा सकती है, इसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। आगे प्रश्न है, श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना करें। श्रीलंका के अंदर हुए जातीय संघर्ष की विवेचना करें।
तो श्रीलंका के तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियों का क्या किया, निर्माण किया, तथा श्रीलंका सरकार के समक्ष तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता के हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की। लेकिन तमिलों की आबादी वाले क्षेत्रों की स्वायत्तता की मांगों को लगातार क्या किया गया, नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम यानी राज्य बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठनों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। श्रीलंका सरकार ने तमिलों की इन मांगों को ठुकरा दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि तमिलों और सरकारी सेनाओं में निरंतर युद्ध चलता रहा। क्या हुआ, तमिलों और सरकारी सेनाओं के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। इस हिंसा में हजारों लोग मारे गए और बहुमूल्य संपत्ति भी क्या होगी, नष्ट होगी। यानी जो तमिल भाषी लोग थे वो चाहते थे कि तमिल उनकी राजभाषा बने, उनके क्षेत्र के आधार पर बिल्कुल स्वतंत्रता मिले, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिले। लेकिन श्रीलंका सरकार ऐसा नहीं चाहती थी और वो बार बार तमिल भाषी लोगों की इन मांगों को नकारती रहती थी और इसकी वजह से लगातार तमिल भाषी लोग और सरकार की सेना के बीच में लगातार युद्ध चलता रहा और ऐसी स्थिति में हजारों लोग भी मारे गए और सरकार की बहुमूल्य जो संपत्ति है उनका भी क्या हुआ, उनका भी नष्ट हुआ, यानी वो भी नष्ट हो गई। तो इस तरह ये जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल भाषी लोग थे उनका और श्रीलंका सरकार के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उदाहरण सहित समझाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, आपको उदाहरण सहित बताना है। तो सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारणों से क्या है, आवश्यक है। पहला कारण है टकराव को रोकने के लिए। पहला कारण क्या है, विभिन्न धर्मों समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो टकराव को रोकने के लिए, तो यह सामाजिक समूहों के मध्य संघर्ष की संभावना को कम करता है। विभिन्न जो समूह देश के अंदर विभिन्न जो सामाजिक समूह धर्म भाषा को मानने वाले जो लोग रहते हैं उनके मध्य संघर्ष की संभावना को कम करता है एवं राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। क्योंकि अगर सरकार के अंदर अलग अलग भाषा धर्म के लोग होंगे तो आपकी जो शासन प्रणाली है वो बेहतर ढंग से चल पाएगी, ठीक है, और जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। फिर है लोकतंत्र की आत्मा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का क्या है, आधार है। यह इसके विकास के लिए आवश्यक है। इससे समस्त समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण सत्ता की साझेदारी के महत्व को बताते हैं। बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों के पास सत्ता थी और बहुसंख्यक डच भाषी लोग समुदाय इससे वंचित था। फलस्वरूप समाज में संघर्ष उत्पन्न हो गया। इसी तरह श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यक सिंहलियों के पास सत्ता थी, शासन था, और अल्पसंख्यक तमिल सत्ता से क्या थे, दूर थे, तब भी वहां पर संघर्ष उत्पन्न हो गया। अतः समाज के कल्याण के लिए सत्ता की भागीदारी जरूरी है। सत्ता के अंदर सभी धर्मों सभी भाषाएं के लोगों को एक उचित उनका जो आपका कह सकते हैं भागीदारी वो होना जरूरी है, तभी समाज बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, उन्नति कर सकता है। अगला प्रश्न है, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, समझाएं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, समझाना है। तो लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, शासन का बंटवारा रहता है। इन सभी के पास शक्ति होती है तथा वे आपस में एक दूसरे पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। इसे ही सत्ता का क्षैतिज नियंत्रण या क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इस प्रकार के बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के मध्य संतुलन बना रहता है और देश की जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से चल पाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय एक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।